इन्हीं रास्तों इन वादियों में खोना चाहता हूँ। एक बार को फिर से हिमाचल चुनना चाहता हूँ। हिमाचल की तो बात ही निराली है, हर जगह हरियाली ही हरियाली। आई एम श्योर आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हम लोग इस बार कहाँ निकले हैं। मैं इस बार निकला हूँ अपने दो बच्चों के साथ में हिमाचल के अंदर पीर बिलिंग के ट्रिप पे। रियली दोस्तों अमेजिंग प्लेस है, आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। हालांकि ये मेरा पहला ट्रिप है हिमाचल का और बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इन जगहों को देखने के लिए। जो पीर बिलिंग है ना वो स्पेशली फेमस है अपनी पैराग्लाइडिंग के लिए। और या हम लोग कल करने वाले हैं पैराग्लाइडिंग अपने दोनों बच्चों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं पीर बिलिंग का सफरनामा। हिमाचल एक ऐसी जगह है जो हर उम्र के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे आपको हर प्रकार का एडवेंचर, हर प्रकार का एक मज़ा आपको यहाँ मिलेगा। आप यहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, इवन जो भीड़ करके जगह है वहाँ आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। और ये भी दोस्तों भरोसा कीजिए कि जो भीड़ की पैराग्लाइडिंग है इट्स अमेजिंग। बहुत किफ़ायती दामों पर आपको यहाँ पैराग्लाइडिंग मिल जाएगी और यहाँ के जो व्यूज़ हैं रियली स्टनिंग व्यूज़ हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ अरविंद। सफर की शुरुआत करते हैं ट्रैवल हंगरी के साथ। इस टूर की शुरुआत मैंने अपने होम टाउन बीकानेर से की थी। चूंकि अभी कोरोना वाला पंगा चल ही रहा था इसीलिए ऑलमोस्ट बसेस वगैरह बंद थी। Thank you.
गई है, वहाँ एक बारकोड लगा हुआ है, आप बारकोड स्कैन करें। काफ़ी कुछ ऐसे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। Thank you.
और बीचों बीच एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ मेडिटेशन किया जाता है। और इस हॉल की जो ऊंचाई है तकरीबन 40 मीटर्स है। और इस हॉल